तो है गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल आप सभी के। तो गाइस, आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं पोकेमोन के कुछ अपकमिंग मूवीज़ के बारे में, जो इंडिया में शायद हिंदी डब होने वाले हैं, या फिर तो हम कह सकते हैं कि हिंदी डब हो चुकी है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट करना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि पोकेमोन के रिलेटेड सब कुछ अपडेट इसी चैनल के पास है। तो गाइस, डोंट मिस सब्सक्राइब। तो गाइस, अब शुरू करते हैं, लेट्स बिगेन। तो गाइस, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि यह वीडियो एक प्रेडिक्शन वीडियो है। मैं इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को कंफर्म नहीं मानता, या फिर तो कंफर्म नहीं बता रहा हूँ आप सभी को। सिर्फ यह प्रेडिक्शन वीडियो है, और हम जानने वाले हैं कि कौन कौन सी मूवी इंडिया में आ सकती है, और किस मूवी का नंबर है इंडिया में आने का। तो बेसिकली गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले इसी साल में पोकेमोन की दो न्यू मूवी आई है ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज की, जिसका नाम है पोकेमोन द मूवी विक्टिनी एंड द रेसिरम, और एक न्यू मूवी थी जिसका नाम था पोकेमोन द मूवी स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस। दोस्तों, ये ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज की मूवी थी दो। और गाइस, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि पोकेमोन को काफ़ी अच्छी टीआरपी मिलती है सभी मूवीज और एपिसोड से, मगर वो सभी लोग न्यू अपडेट्स नहीं लाते, यानी कि न्यू सीरीज नहीं लाते, न्यू मूवीज नहीं लाते। मगर आज मैं आप सभी के लिए कुछ पॉइंट्स लेके आ चुका हूँ, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि पोकेमोन की मूवीज आ रही है इंडिया में, जो है अपकमिंग मूवीज। तो गाइस, पहली अपकमिंग मूवी है पोकेमोन द मूवी जेनेसिस एंड लेजेंड अवेकन, जो पोकेमोन की 16वीं मूवी है। और गाइस, ये किस तरह से क्या आ सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, जैसे कि पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट की सभी सीरीज की मूवीज हिंदी डब हो चुके हैं, बस अब यही अकेली मूवी है जो अब हिंदी डब करना बाकी है। मेरे हिसाब से तो ये मूवी हिंदी डब हो चुकी है, और इसका प्रूफ आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। यह है मूवी का सर्टिफिकेट, और यहाँ पर लिखा भी है हिंदी डब। तो गाइज, ये मूवी हिंदी डब हो चुकी है, बस अब रिलीज करना बाकी है। तो गाइज, अब देखते हैं कि पोकेमोन वाले कब तक ये मूवी रिलीज करते हैं, और हम कब तक ये मूवी को इंजॉय करते हैं, और हमारा कुछ दर्द भरे दिनों को भुला सकते हैं, और कुछ न्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज, यही थी एक पोकेमोन की अपकमिंग मूवी। जैसे कि गाइज, मैं आपको बताता हूँ एक एक्सप्लेन से, अभी अभी रिसेंटली पोकेमोन वालों ने पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी है, उसके सभी मूवीज के साथ। तो गाइज, जैसे कि पोकेमोन वाले पहले तो सभी मूवीज को डब करते हैं, और उसके बाद वो सीरीज लाते हैं सभी हिंदी डब में। तो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट की पहले तो सभी मूवीज आएगी, फिर उसके बाद उसकी पूरी सीरीज आएगी टाइमलाइन के हिसाब से हिंदी डब में। तो गाइस, अब इंतजार है कि कब यह मूवी आती है। आप सभी को क्या लगता है कि पोकेमोन की ये वाली मूवी हमें कब तक देखने को मिल सकती है, और ये मूवी किस चैनल पे आएगी? मुझे तो लगता है कि मार्वल एज के ऊपर सबसे पहले आएगी, वरना तो हंगामा पे। मगर कोई टेंशन की बात नहीं है, ये दोनों ही चैनल एक चैनल की है, जो है डिज्नी चैनल। ये तीनों चैनल एक ही है, डिज्नी के है। तो गाइस, प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं सेकंड अपकमिंग पोकेमोन की मूवी के बारे में। तो गाइस, अब सेकंड मूवी है हमारी पोकेमोन द मूवी टेंपल ऑफ द सी। ये मूवी पोकेमोन की 9th मूवी है जो अभी तक हिंदी डब नहीं हुई। गाइस, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि गाइस आपको पता है कि पोकेमोन की नंबर 1 मूवी से लेकर 15 मूवी तक सभी मूवी हिंदी डब हो चुकी है, मगर ये अकेले ही ऐसी मूवी है जो अभी तक हिंदी डब नहीं हुई। और ये मूवी है हमारे होइन रीजन से रिलेटेड मूवी है, और इसमें आप सभी को मैक्स एस और ब्रोक देखने को मिल जाएंगे। और ये कुछ मूवी टेम्पल ऑफ द सी, यानी कि कुछ समुद्र में कुछ अजीबोगरीब राक्षस वीरंस रहते हैं, और वो एक मिथिकल पोकेमोन के पीछे पड़े हुए होते हैं। बस ये इसी के बारे में मूवी है, और इस मूवी में काफ़ी अच्छी एक्शन सीन है जो आप सभी को देखना चाहिए और आप सभी को एंजॉय करना चाहिए। मगर गाइस, अभी तक मेरे पास इसके रिलेटेड कोई भी प्रूफ हाथ में नहीं लगा है, बस इतना ज़रूर पता है कि पोकेमोन द मूवी नंबर जेनेसिस लेजेंड अवेकन के बाद ये मूवी की आने की पूरी शक्यता है। क्योंकि गाइस, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है, मेरा आईक्यू लेवल बहुत ही तेज है, मुझे सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। पता नहीं ये भगवान का मुझे दिया गया गॉड ऑफ गिफ्ट है, या फिर तो क्या पता नहीं यार, मैं अंतर्यामी बाबा बन रहा हूँ धीरे धीरे। ये लॉकडाउन में मैं कुछ ना कुछ अजीबोगरीब करते रहता हूँ, तांत्रिक बाबा बन गया हूँ। तांत्रिक छू जा बच्चा, पोकेमोन की मूवी ले जा, खुश रहे खुश रहे। तो गाइस, इस मूवी की बारी आ चुकी है,
तो गाइज अब जैसे ही मुझे इस मूवी के बारे में कुछ अपडेट मिलती है वैसे मैं आप सभी को बता दूंगा। और हाँ गाइज, मैं पोकेमॉन द मूवी 9th यानी कि टेम्पल ऑफ द सी के बारे में फुल टू डिटेल्स एक वीडियो में बताऊंगा कि वो कब तक इंडिया में हिंदी डब हो चुकी व्हाट द मीनिंग ऑफ द सेंस वर्ड, तो हो चुकी नहीं, कब तक हो ही गई इंडिया में हिंदी डब और वो कब तक हमें दिखाई जाएगी और कौन सी चैनल में दिखाई जाएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये वीडियो मैं कल डालने वाला हूँ तो गाइस देखने बिल्कुल भी मत भूलना। मगर आप सभी को पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि हम बहुत ही करीब है 1000 सब्सक्राइबर्स के, तो गाइस जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो। उसके रिलेटेड मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, Q&A वीडियो, और उस वीडियो में मैं शायद अपना फेस रिवील भी कर दूँ। तो गाइस जल्दी से अपने भाई के 1K सब्सक्राइबर्स करा दो। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए आप सभी को मेरी तरफ से टाटा एंड बाय बाय। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा।